और इससे पहले कि मैं बाकी सब लोगों को धन्यवाद कहूँ, पुरुषोत्तम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना बढ़िया गाना बांधा यहाँ पर। गोपाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। पिछले हम अक्सर बात करते थे और ये देखते थे कि भाई हम जितने भी यहाँ बैठे हैं और हम जैसे और बहुत सारे अपनी अपनी विधानसभाओं में हैं कि अलग अलग फील्ड से निकल के कोई आंदोलन कर रहा था, कोई शिक्षा पे काम कर रहा था, कोई मोहल्ले पड़ोस के लोगों को मदद करने पे काम कर रहा था, सोशल इश्यूज पे, गवर्नेंस इश्यूज पे, महिलाओं के इश्यूज पे, बच्चों पे, कोई हो सकता है हम में से आरएसएस में काम कर रहा हो, कोई हो सकता है हम में से किसी और संप्रदाय, किसी और धर्म के, किसी और सेक्ट के संगठन के साथ जुड़ा हो किसी और कारण से, और अपने अपने कारण रहे होंगे, पर एक कॉमन कारण हम सबको जोड़ने का रहा, एंटी करप्शन। हम वो लोग हैं जो इकट्ठा हुए एक समय आंदोलन के समय और फिर आंदोलन के समय से इकट्ठा होते होते पार्टी बनने तक और अभी चुनाव लड़ने तक, कि इकट्ठा हुए कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, उसके लिए इकट्ठा हुए लोग हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हमारे लिए जरूरी है कि हम सब आम आदमी पार्टी के परिवार के लोग एक दूसरे के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पहचान लें। प्रिंसिपल मैम बैठी हुई हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए मेरे बहुत सारे साथी यहाँ हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है देश में और दुनिया में कि हम आजकल यूनिकनेस के शिकार हो गए हैं। हम सब पूरी शिक्षा तंत्र को लगाए हुए हैं, पूरा सरकारी तंत्र लगा रहता है, साहब हर आदमी में कुछ ना कुछ खास है, उस आदमी के खास को निकालो और उस खास के हिसाब से उसको काम दो। इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है साथियों, हम सब में कुछ ना कुछ कॉमन है और जब तक उस कॉमन को हम एक दूसरे के नहीं पहचानेंगे, हम इकट्ठा नहीं रह पाएंगे, ना पार्टी में रह पाएंगे, ना शहर में रह पाएंगे, ना समाज में रह पाएंगे, ना देश में रह पाएंगे। उस कॉमन को पहचानने का जो उपक्रम है, जो प्रोसेस है, वो हमसे छूट गया है। तो आज हम क्यों इकट्ठा हुए, कैसे एंटी करप्शन आंदोलन से इकट्ठा हुए, 3 दिन से आप लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जितना मेरा गोपाल भाई का संवाद रहा है इस सिलसिले में कि हम क्यों इकट्ठा हुए, कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है, वो सपने क्या हैं जिनको लेकर हम इकट्ठा हुए, उन सपनों में सब में कॉमन सपने क्या हैं, उन सब पे खूब चर्चा हुई होगी। मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी, कुसुम जी ने मुझे आदेश दिया कि कहाँ गई, जैसे अभी आदेश दे के गई कि आप आम आदमी पार्टी की भूमिका पर बोलिए। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप भूल जाइए कि आम आदमी पार्टी कैसी होनी चाहिए, आप भूल जाइए कि आम आदमी पार्टी आगे क्या करे, पीछे क्या करते रही है, या आम आदमी पार्टी देश में क्या भूमिका निभाए और वैसा देश बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है बिल्कुल भी कि आम आदमी पार्टी क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि हमें कैसा देश चाहिए। आम आदमी पार्टी उसका एक जरिया है। हम सबके सपनों में एक मुल्क की क्या तस्वीर है, और मुल्क भी छोड़ दीजिए कैसा चाहिए, मैं और उसको थोड़ा और नैरो करना चाहता हूं, हमें कैसा देश चाहिए, कैसा हमने किताबों में पढ़ा था, कैसा हमने यहां चर्चा में सुना है, सब आपस में भाईचारे में रहे, फलाना ढिमका, सब बात की चीजें। मैं कहना चाहता हूं कि मैं हम में से अधिकतर लोग इस उम्र में है कि हमारे घर में अपना नहीं तो अपने भाई बहन का बच्चा जरूर है। हम अपने बच्चे को कैसा मुल्क में, हम अपने बच्चों के लिए क्या सपना देखते हैं कि वो कैसे मुल्क और कैसे समाज में बड़ा हो, आपस में लड़ते झगड़ते समाज में बड़ा हो या आपस में मिले जुले समाज में बड़ा हो, आपस में धोखाधड़ी वाले समाज में बड़ा हो अपने बच्चे के लिए। विशुद्ध रूप से एकदम स्वार्थी बात कह रहा हूं, भूल जाइए कि देश कैसा हो, भूल जाइए गौर रजा क्या बात कर रहे हैं, भूल जाइए शबनम बहन क्या बात कर रही है, मैं क्या बात कर, बहुत बड़ी मतलब ऊपर ऊपर की चीज है।
गहरी चीज यह है कि मैं अपने बच्चे के लिए कैसा मुल्क देना चाहता हूं, मैं कैसा सपना देखता हूं कि मेरा बेटा बड़ा हो तो ऐसे देश में जिए, वैसा देश बनाना हमारा काम है, वैसा देश वैसा समाज खड़ा करना हमारा काम है, वही आम आदमी पार्टी का काम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे मुल्क में बड़ा हो जहां खूब छल कपट हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, घर बैठिए अपने आप बढ़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब बड़ा हो तो उसके साथ खूब धोखाधड़ी हो, वो जब बहुत मेहनत से कोई नौकरी के लिए अप्लाई किए अपनी डिग्री में मेहनत के बाद में, तो खट से एक रिश्वत देने वाला आदमी उसके हिस्से की नौकरी लेके उड़ जाए, बहुत बहुत मुबारक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके मेहनत करके किसी जगह टेंडर डाले, अपना व्यापार करे और उसके हिस्से का टेंडर नेताजी का रिश्तेदार लेके उड़ जाए या रिश्वत देने वाला लेके उड़ जाए, बहुत बहुत मुबारक है अगर हम ऐसा चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बड़ा हो जहां उसका मान सम्मान और उसकी सुरक्षा की गारंटी उसके नाम के साथ जुड़ी हो, वो किस धर्म के से है, किस सेक्स से है, किस जाति से है, इस सब से, किस जेंडर से, इससे जुड़ी हो, तो बहुत बहुत मुबारक है। और अगर हम चाहते हैं कि इन सब से ऊपर उठा के करना है तो आम आदमी पार्टी है, तो हम इस सबसे ऊपर उठा। तो इसलिए मैं कोई बहुत बड़ी थ्योरीज की बात नहीं करना चाहता, मैं मतलब अपने अंदर के किसी सपने को आपके ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं अपना अपना स्वार्थ, और ये बात हम सबके बीच में कॉमन होनी चाहिए। हमें क्या क्या बांधेगा, हमें आपस में, आम आदमी पार्टी आज है कल नहीं हो सकती है, कल नहीं थी, आज हमारे पास में एक जिम्मेदारी है कल नहीं भी हो सकती है, पर उसके बावजूद क्या हम ये सपना छोड़ देंगे कि मेरे बच्चे को एक अच्छा मुल्क मिलना चाहिए, मेरे, मैं जिस समाज में जी रहा हूं उसमें आपस में तालमेल होना चाहिए, वो नहीं छोड़ सकते, वो हमें बांधेगा। उससे आम आदमी पार्टी चिपकी रहे, उस एजेंडे से, उस सपने से, ये हमारा काम है, लेकिन उस सपने को हम समझ सकें ये हम सबका काम है, व्यक्तिगत काम है। तो मैं आपको मूल रूप से तो एक दो चीजें इसी पे रखना चाहता हूं कि हम सबके बीच कुछ कॉमन है, यूनिकनेस हमने बहुत देखी है। आप अलग अलग विधानसभाओं से आते हैं, आप अलग अलग पदों पर होंगे, जेंडर, एज, रेस, मतलब सब कुछ बहुत कुछ अलग है, सबके अपने अपनी शिक्षा से लेके अपने काम करने का अंदाज, काम बात रखने का अंदाज, कम्युनिकेशन स्किल्स, सबके अपने अपने स्किल्स हैं काम करने के। यहाँ भी आप रह रहे हैं तो कोई कुछ जिम्मेदारी निभा लेता है, कोई कुछ जिम्मेदारी निभा लेता है, ये सब यूनिकनेस है। हम सबके बीच कुछ कॉमन है, उस कॉमन को अगर हम पहचान लें वही हमारा धारा प्रवाह है। आप सोच के देखिए, आप एक शहर में जाते हैं, आप में से कुछ लोग कभी विदेश में गए होंगे, वहां पे अचानक एक आदमी मिलता है, आप होटल में रुके हुए हैं, सुबह रेस्टोरेंट में नाश्ता करने आते हैं, वहां एक आदमी मिलता है, उसके शक्लो सूरत थोड़ा हिंदुस्तानी जैसी दिखती है, तो आप कहें नहीं कहें कुछ कुछ अपना सा लगने लगता है, नहीं? फिर आपको पता चलता है, अच्छा उसका नाम तो अकबर, इकबाल, मनीष, कुछ भी हो सकता है, गोपाल, मतलब जो ऐसा नाम है, ऐसा शब्द है उसके नाम की पहचान में जो थोड़ा हिंदुस्तानी सा है, फिर आपको लगता है हिंदुस्तान से ही होगा, आपको और अच्छा लगता है। फिर आपको पता चले कि ये तो दिल्ली वाला है, बातचीत हो जाए उससे, कुछ दिल्ली वाला है, तब कुछ और अच्छा लगता है। फिर और पता चल जाए कि पटपड़गंज वाला है, और अच्छा लगता है। ये क्या है? ये कॉमननेस है हमारे और उसके बीच, हमारे और दूसरे इंसान के बीच जितने कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए बाध्य करते हैं, एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे से सम्मान करने के लिए बाध्य करते हैं। वो कॉमन आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, कॉमननेस बहुत जरूरी है। गलती ये हुई कि एजुकेशन सिस्टम सारा का सारा यूनिकनेस पे लगा हुआ है हमारे, मतलब मेरा तो काफी, इसीलिए मैंने आपका जिक्र किया, हम खूब मेहनत करते हैं 2.5 साल के बच्चे से, इसमें ये यूनिक है, जबकि 40 बच्चों को बैठ के सबसे पहले तो कॉमन सिखाने की जरूरत है कि तुम 40 बैठे हो तुम में ये कॉमन है, क्योंकि यूनिकनेस तो बाहर बहुत सिखाई जा रही है, तो उसको लेके हम काम करें। इसीलिए मैंने पुरुषोत्तम जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने गाना जो गाया उसका सार यही था कि कॉमन तो आदमी है, हम सबके बीच एक कॉमननेस है, हम सब आदमी हैं, हम सब इंसान हैं, और उस इंसानियत की कुछ नेचर है, उस इंसानियत की कोई प्रकृति की कुछ नेचर है। तो कभी कोशिश कीजिएगा पटपड़गंज में बैठ के, अलग अलग विधानसभाओं में बैठ के, पटपड़गंज इसलिए बोल रहा सीधे सीधे बैठे सामने तीनों, अलग अलग विधानसभाओं में बैठ के, क्या कॉमन है हम सबके बीच? हम सब 2 और 2 4 मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं,
ये तो मैथमेटिकल कॉमननेस है, लेकिन इंसान होने की भी कुछ कॉमननेस है। हम सबको अपना अपमान अच्छा लगता है, खराब लगता है ना? ये बात ही सबको गलत लगी। तो हम सबको अपना अपमान, कोई हमारा अपमान करे अच्छा नहीं लगता। हम सबको कोई सम्मान करे तो सबको अच्छा लगता है। हम सबको कोई प्यार से समझा दे और अच्छा लगता है। ये ऐसी चीजें हैं जो धरती के 700 करोड़ लोगों में मिलेंगी। वो यूनिकनेस से ऊपर हटा के है, मतलब वो यूनिकनेस के पैराडाइम से ऊपर उठ के है, वो एक बार पहचानने की जरूरत है। उसी क्रम में कुछ सपने हम सबके अंदर हैं, जिसे हम आम आदमी पार्टी कह रहे हैं। वो सपनों में मैं देखता हूँ आप सब लोगों में से बहुत से चर्चा होती रहती है, कहीं कहीं बात होती है, या हम सुनते थे विदेशों में ऐसे नेता होते हैं जो अपना रेल का टिकट लाइन में लग के खड़े होकर ले लेते हैं, फिर खुद ही ट्रेन में बैठ के निकल जाते हैं। हमारे यहाँ नेता का मतलब है लाल बत्ती में आएगा टूं टूं करते हुए। उसको आप सब लोगों ने बदला है, उसको दिल्ली ने बदला है। आज बड़े फख्र के साथ आप कह सकते हो देश की राजनीति में, अगर पूरे देश में सारी सरकारी गाड़ियों से लाल बत्ती और नीली बत्तियां लाल उतरी हैं, खास तौर से उतरी हैं, तो आपकी बदौलत उतरी है। क्योंकि यही मोदी जी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, और यही मोदी जी 3 साल देश के प्रधानमंत्री भी रहे। 15 साल इनको याद नहीं आया कि देश के नेताओं की गाड़ियों पर लाल बत्ती लगी हुई है। जब आपने, आपके चुने हुए नेताओं ने, हम सब ने, मुख्यमंत्री जी ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती उतार के दफ्तरों में दाखिल कर दी, उसके बाद मोदी जी को भी याद आया कि अब राजनीति का समय वो आ गया है देश में कि बिना लाल बत्ती के नेता पैदा करने पड़ेंगे। मजबूरी सही, लेकिन अच्छी बात है। आज सड़क पर चलती हुई गाड़ी में आपको सब बराबर दिखती है, अच्छी चीज है। हम सोचते थे नेता ईमानदारी से काम करें, विजन से काम करें, पागलों की तरह काम करें। थोड़ी थोड़ी उसकी झलक दिल्ली में कोशिश करने को मिल रही है, देश में भी मिलेगी। पर कुछ और चीजें हैं जो, ये तो बहुत छोटी हैं, मतलब ये सिंबॉलिक हैं। बड़ी चीजें हैं, एंटी करप्शन मतलब सिस्टम देश में लागू हो जहां कोई भ्रष्टाचार ना करे, और जन सहभागीदारी हो। मैं जब पत्रकार था तो मेरे साथ एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर रिसर्च करने आई थी दिल्ली में। उन्होंने 6 महीने रह के यहाँ रिसर्च किया कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी, मतलब उनकी डेमोक्रेसी वर्सेज हमारी डेमोक्रेसी। तो मैं उनका पार्टनर था यहाँ पे उस रिसर्च में। तो जब उनकी रिसर्च पूरी हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप जा रही हैं वापस, मुझे एक लाइन में बता के जाइए कि आपने अंतर क्या समझा। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उसने कही, और वो आज राजनीति में खड़े होके मुझे लगता है हम सबके लिए समझना जरूरी है उस लाइन को। उसने कहा आपकी डेमोक्रेसी में ना आम आदमी की कोई इज्जत नहीं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में आम आदमी की इज्जत। मैंने कहा खोल के बताओ, ये तो थोड़ा ज्यादा मिस्टेक हो गया। उसने कहा तुमने एक लाइन में पूछा, मैंने एक लाइन में बता दिया। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कई बार ये लोग। तो उसने बोला कि आपके यहाँ पे, उसने एग्जाम्पल दिया मुझको। उसने कहा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में अगर किसी सड़क पे कोई फुटपाथ बनना है या स्पीड ब्रेकर बनना है ना, तो जिस गली में स्पीड ब्रेकर बनना है, जहां स्पीड ब्रेकर बनना है, 5 घर इधर और 5 घर उधर, आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्पीड ब्रेकर की उन लोगों से परमिशन ली जाएगी, तब स्पीड ब्रेकर बनेगा। उसने थोड़ा एक्सट्रीम हमारे यहाँ को प्रेजेंट किया, पर पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। उसने कहा लेकिन आपके यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी दिन सरकार को लगे कि आपके सामने की सड़क को कब्जा करना है, तो रात को आप आराम से सोओगे, सुबह आपके घर नीचे से, दरवाजे के नीचे से नोटिस आएगा, हमने आपका बाहर वाला दरवाजा बंद कर दिया, पीछे वाली दीवार से नया दरवाजा बना लेना अपने लिए। थोड़ा ज्यादा लगा मुझे, लेकिन ये संयोग की बात थी कि उस दौरान ये दादरी का वो चल रहा था विरोध, जो रिलायंस वाला, और लगभग यही हुआ था। दादरी एक जगह है वहां पे, जैसे ये धौलाना दादरी बछेड़ा गांव है, वहां के किसानों की जमीन छीनी गई थी। और एक रात लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री जी को रात में सपना आया था कि भाई ये जो गांव है दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर, इसके किसान कल से अपनी खेती नहीं करेंगे, वहां बिजली उगाएंगे। अब बिजली किसान तो उगाएंगे नहीं, तो अंबानी उगाएंगे। तो इसलिए वहां से बैठ के लखनऊ में तय कर लिया उन्होंने कि अब किसानों की जमीन किसानों की नहीं रहेगी, अब किसानों की जमीन बिजली वाले की हो जाएगी। और बस लगभग वैसा ही हुआ होगा कि घर में से बिचारों के नीचे से नोटिस आ गया कि भाई हमने तुम्हारी खेती वेती छीन ली है, अब बच्चे अच्छे पाल लें तो कुछ और कर लेना।
मतलब उसने बेचारे ने एक्सट्रीम करके कहा था, पर बात तो यही थी। तो वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं वेस्टर्न कल्चर का या वेस्टर्न सिस्टम्स का, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। आज हमारे यहां देश में, मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूं, मेरे जैसे 30 और मिनिस्टर्स हैं सेंटर सहित, 30 हैं सारे मिला के। आप सिस्टम देखिए, अभी राजनीति जिससे हम राजनीति जिन लोगों से लड़ रहे हैं वो तो है ही है, उनसे लड़ना है, लेकिन और कौन सा सिस्टम है जिससे लड़ना है, और कौन सी चीजें हैं जिनके पेच कसने, कहां जाके कसने हैं, मैं थोड़ा सा उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज देश में 30 एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके नीचे 30 एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, और उनके नीचे 30 एजुकेशन डायरेक्टर हैं। इन 90 लोगों के हिस्से में देश के एजुकेशन की पॉलिसीज बनाना है, इन 90 लोगों के हिस्से में ये काम है कि देश की एजुकेशन तय करेंगे, किस किताब में क्या पढ़ाया जाएगा, किस स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, ये तय करेंगे। लेकिन आप सब लोग इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, सहमत होंगे इस चीज से, हमारे सिस्टम में ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि इन 90 लोगों में से जो एजुकेशन की दिशा और दशा तय कर रहे हैं, इनमें से किसी को भी एजुकेशन का ई पता हो। एक चुन के आ जाएगा, मंत्री बन जाएगा, 20 साल के एक्सपीरियंस वाला होगा सेक्रेटरी बन जाएगा आईएएस, 10 साल के एक्सपीरियंस वाला आईएएस होगा लाजमी है, वो एजुकेशन डायरेक्टर बन सकता है, कल तक भले ही माइनिंग में हो, परसों भले ही उसको भू विभाग में भेज देना, वो बस 2 साल के लिए। तो 3 लोग जो राज्य में सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं एजुकेशन के, उनको एजुकेशन का ई पता नहीं होता, और उनको एजुकेशन का सिर्फ ई पता नहीं होता, उनके लिए लाजमी भी नहीं है कि उनको ई पता हो। ये हमारा सिस्टम। इसी क्रम में अगर आप, मैं इसीलिए बोला कि मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें समझने की जरूरत है। अमेरिका जैसे देश में जब ट्रंप जैसा कोई कहीं कोई भी राष्ट्रपति बनता है, उससे आगे जब उनको ये तय होना होता है कि भाई अब एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा, तो वहां पहले से नाम चलने शुरू हो जाते हैं, ये 15 साल का एक्सपीरियंस वाला, ये 20 साल के एक्सपीरियंस वाला, ये हो सकता है एजुकेशन सेक्रेटरी बने वहां पे। और जब फाइनली बनता है तो उसके कुछ नॉमेनक्लेचर हैं, भाई 15 साल उसने इतना 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 काम किया हो तभी वो एजुकेशन सेक्रेटरी बन सकता है। उसको उठाते हैं, उसकी ग्रिलिंग होती है, ग्रिलिंग आप गूगल करके देखिएगा, बेट्सी डेवोस जो अमेरिका की एजुकेशन सेक्रेटरी हैं अभी, उनको जब ट्रंप ने नॉमिनेट किया, तो ट्रंप ने नॉमिनेट किया क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस था जो अमेरिका में एजुकेशन सेक्रेटरी बनने के लिए चाहिए, उसके बावजूद वहां की पार्लियामेंट ने बैठ के उस महिला को कितना ग्रिल किया है वो एक बार देखिएगा जरूर। बेट्सी डेवोस बीइंग ग्रिल्ड बाय एलिजाबेथ वॉरेन अब बीइंग ग्रिल्ड बाय, देखेंगे यूट्यूब पे खूब वीडियो मिलेगा आपको, और आप देखिएगा कि जिस व्यक्ति को ट्रंप को तो फुल पावर मिली ना, उसके बावजूद उसको जिसको एजुकेशन सेक्रेटरी बनाना था उसको वहां की पार्लियामेंट, वहां की डेमोक्रेसी कितना ग्रिल करने का पावर रखती है, उससे पूछती है, मैडम आप ये बताइए आपने कभी एजुकेशन लोन लिया? बोले नहीं सीनेटर। आपने, आपकी फैमिली में किसी ने एजुकेशन लोन लिया? नहीं। आपने कभी इतने फंड डील किए? नहीं। फिर आप कैसे डील करोगे? हम लोग अपने बच्चों के लिए इतना सारा एजुकेशन फंड रखते हैं, उसको कैसे डील करोगे आप? और वो किसी बंद कमरे में इंटरव्यू नहीं हो रहा है, वो इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा इंटरनेट पे उपलब्ध है, और सांसद बैठ के उसको इंटरव्यू कर रहे हैं। वहां जाके डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, वहां जाके लोकतंत्र मजबूत होता है। जब आम आदमी की चले, आम आदमी के चुने हुए नेताओं की चले, मैं आज इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि धरने पर बैठ के आए हैं और वहां नहीं सुनी जा रही थी इसलिए कह रहे हैं, बल्कि ये पीड़ा है, आम आदमी और आम आदमी के चुने हुए सिस्टम की यहां नहीं चलती है। अब होगा क्या, आम आदमी को अगर बेईमानी करनी हो आम आदमी के नेता को, तो खूब स्कोप है। आज अगर पूरे देश में जिस नेता को बेईमानी करनी है चुने जाने के बाद में, उसके लिए पूरा स्कोप है, उसको कोई इफेंट बट नहीं है, लेकिन अगर ईमानदारी से काम करना हो तो बहुत सारे इफेंट बट हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम ऐसा बना रखा है, उस सिस्टम को चेंज करना बड़ा सपना है। ये बीजेपी से लड़ना, कांग्रेस से लड़ना, ये चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, ये सब तो माध्यम है साथियों,
हम अपने देश में कैसा सिस्टम चाहते हैं, वो सिस्टम का ड्रीम आप और वाइडन करें। कल से लेकर आज तक दो दिन बात हुई है इस सारे मुद्दों पर, लेकिन इसको और वाइडन करने की जरूरत है। इसको और वाइडन भी क्या, उसको और डीप करने की जरूरत है। दुनिया में कैसे सिस्टम्स हैं, आज अगर हम आईएएस अधिकारियों के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझने की भी जरूरत है कि आईएएस अधिकारी सारी दुनिया में कैसे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया बिना एडमिनिस्ट्रेशन की चल रही है, लेकिन कहां कैसा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। आज अगर हम देश की राजधानी में बैठे हैं दिल्ली में, तो दुनिया के हर देश में कोई ना कोई राजधानी तो है। हर देश के पास एक नेशनल कैपिटल है कि नहीं है, उसके नेशनल कैपिटल में उनके क्या सिस्टम्स हैं, उसको समझना चाहिए। उसको समझ के अपना एक ड्रीम खड़ा करना शुरू करेंगे तो वो कॉमननेस आएगी, वो हमारे अपने देखे हुए सपने होंगे। आज मैं आपसे आके कहूं कि हिंदू और मुसलमान को इकट्ठे रहना चाहिए, ये आपका भी सपना नहीं है, ये तो हम जैसे और हमसे भी पीछे किसी ने देख रखा है, हम उसके सपने को सही मान के चल रहे हैं। लेकिन एक बार हम अपने सपने बुनना शुरू कर दें और सबके लिए सहज हो, ऐसे देश का सपना बुनना शुरू कर दें, तो वो इम्पोर्टेंट है। और तीन दिन इस पर चर्चा हुई। मैं एक दो चीज़ें जिस सेक्टर में मैं मेरा मुख्य काम है मैं उस पर रखना चाहता हूँ। आपके आप सब लोग, हम सब लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि दिल्ली सरकार आज देश की एकमात्र सरकार है जो एक चौथाई हिस्सा बजट एजुकेशन पे खर्च कर रही है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा ईमानदारी से आ रहा है। आज आप में से कोई आके हमको ये नहीं कहता, मनीष जी फलानी चीज का टेंडर लगा हुआ है, मेरे फूफा जी का लड़का है, इसको दिलवा दो। इस ताकत से आ रहा है। हमारी ईमानदारी अपनी जगह है, लेकिन हमारी ईमानदारी अधूरी है अगर हमारे साथ काम करने वाला कार्यकर्ता ईमानदार नहीं होता। अगर आप रोज सुबह से शाम तक मेरे पास आने लगते कि जी वो फलाना टेंडर निकला हुआ है उसका हमें दिलवा दो, मिड डे मील हमें दिलवा दो, न्यूट्रिशियस वैल्यू का हमें दिलवा दो, उसका पीडब्ल्यूडी का हमें दिलवा दो, तो अब तक तो हमारी ईमानदारी तो गई होती तेल लेंगे, या तो हम सुसाइड कर लेते या राजनीति छोड़ देते। इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमसे हमारा कार्यकर्ता नजर रखता है, कहता है जी वो फलाना आदमी जगह जो टेंडर लगाया ना उस जगह सड़क बन रही है उसमें बड़ा घटिया रेत मिल रखा है, जांच करा लो। वो ईमानदारी की ताकत है। उस ईमानदारी, एक ईमानदार कार्यकर्ता से एक ईमानदार मिनिस्टर मजबूत होता है, ईमानदार मिनिस्टर बनता है, उस मजबूती के साथ खड़े होकर बात करें। आज में पैसा कहां से आ रहा है? हमने बजट के दौरान खूब चर्चा की इस पे कि 31,000 करोड़ से आपका बजट अचानक 53,000 करोड़ रुपए हो गया। कैसे हो गया? सुशील भाई बैठे हैं, व्यापारियों के नेता हैं, मतलब व्यापारियों की भी अच्छी पकड़ रखते हैं। पिछले 3 साल में जितना मिनिमम वैट डिपार्टमेंट या जीएसटी हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट ने जितनी मिनिमम हो सकती है उतनी मिनिमम रेट की है। पिछले 15 साल का देख लो और पिछले 3 साल का देख लो, 1/3 रेट भी नहीं हुई है व्यापारियों के यहाँ। 1/3, 1/3 में मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 1/5 भी नहीं हुई होंगी, पर जहां हो रही है वहां ईमानदारी से हो रही है और बड़े बड़े लोगों पर हो रही है। एक बहुत बड़ी फूड चेन है, रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? KFC, नाम वाम मत लेना, लेना ठीक नहीं है ज्यादा। हम और आप जाते हैं खाना खाने, 1,000 रुपए का खाना खाने आते हैं, उसके यहाँ बर्गर जाके खा के आते हैं, 18% वेट लगता था, 1180 रुपए दे के आते थे, इतना ही बना। हाँ, तो उसके बाद क्या होता था, हम जैसे उसे जाने कितना से लेके शाम तक रखता था, रात को 11 बजे भाई अपने कंप्यूटर से सारी एंट्री डिलीट कर देता था। अब हमें लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब एक तो 1,000 रुपए की चीज 1,000 रुपए में बेची आपने, तो बिना टैक्स के बेचती, वो छोटा क्राइम है, कम से कम खरीदने वाले को लूटा तो नहीं गया, पर 1,000 रुपए की चीज टैक्स लगा के 1,180 रुपए में बेची और बाद में वो 180 रुपए भी अपने बट्टे खाते में रख लिया, ये चोरी बंद करी। ऐसी बहुत चोरी हो रही थी दिल्ली में, जो टैक्स पेयर से पैसा लिया और टैक्स पेयर से लेके अपनी किटी में डाल लिया, बाद में सरकार को नहीं दिया, ऐसी बहुत हो रही थी। इन्हीं ईमानदारियों के दम पे, इसी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग किए, डेटाबेस प्रयोग किए, उसके दम पे आज 31,000 करोड़ से आपका 3 साल में बजट 53,000 करोड़ है। किसी बैंक अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा नहीं चलने देते, किसी को ये नहीं करते, अच्छा ये जरा इसने पार्टी को चंदा नहीं दिया बहुत दिन से, इसके यहाँ जरा चले जाना, एक रेट डाल के आ जाना, फिर वो पार्टी को चंदा दे देना था, बंद करा देते, तो वो सारी चीजें बंद की। कहने का मतलब कि हमने एजुकेशन का बजट भी कहाँ से बढ़ाया, वहां से बढ़ाया। और आज बड़े फख्र के साथ हम कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ पे हमारी सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन खर्च भी विजन के साथ कर रही है। बिल्डिंग आप लोगों ने देखी, सोशल मीडिया पे आप सारे लोग प्रचार करते ही हैं,
नई नई बिल्डिंग, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं, टीचर्स ट्रेनिंग पूरे देश और दुनिया में जहां भी अच्छी ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग हो सकती है वहां चल रही है। लेकिन आप वो लोग हैं जो इसका खूब प्रचार करते हैं, इसलिए उस बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग और टीचर्स की बढ़िया ट्रेनिंग की बात कहने यहाँ नहीं आया। एक और गहरी बात कहने आया हूँ कि एजुकेशन किस लिए। एक है कि हमें एंटी करप्शन सिस्टम से इंडिया खड़ा करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम ठीक करने। दूसरा उसका पहिया है कि हमें एजुकेटेड इंडिया खड़ा करना है, शिक्षित समझदार भारत खड़ा करना है। आज देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां, और वो भी लक्ष्य है हम लोगों का, हमारे देश में शिक्षा मंत्रालय नहीं है, है? बताइए, हमारे देश में शिक्षा मंत्रालय नहीं है। कितने लोगों ने ये बात ध्यान दी है? ध्यान देने की बात है। देखिए, हम गवर्नेंस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं, हम गवर्नेंस पे डेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस जगह जाके सही डेंट मारना है उसको पकड़ना पड़ेगा। सिर्फ बीजेपी को हराने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कांग्रेस को हराने से काम नहीं चलेगा, डेंट कहां मारना है, ये तो माध्यम है, इनको हरा के जाएंगे तब डेंट मार पाएंगे। डेंट वहां मारना है जहां सिस्टम बैठा हुआ है, और आज देश में शिक्षा मंत्रालय नहीं है। सोच के देखिए, आज हमारे यहां शिक्षा लेने का काम जिस मंत्रालय से होता है उसका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है ना? और मानव संसाधन होना एक घटना है, शिक्षित मानव होना अलग घटना है। गहरी बात है। संसाधन का मतलब है टूल। आपके हाथ में मोबाइल एक टूल है, जिस माइक से मैं बात कर रहा हूं ये टूल है, आपकी जेब में रखा हुआ पेन एक टूल है। संसाधन मतलब टूल। हमको टूल होना पसंद है क्या? हम ट्रेनिंग करके जाएं घर और हमारा बच्चा गले लग के पूछे, आइए संसाधन जी 3 दिन की ट्रेनिंग कैसी रही, अच्छा लगेगा? हम में से किसको ये स्वीकार है? एक व्यक्ति खड़ा होकर कहते जी मुझे अच्छा लगेगा जब मेरी पत्नी मुझसे पूछ ले, या मेरा पति या भाई बहन मुझसे पूछ ले, पिता पूछ ले, आओ मेरी संसाधन कैसी रही ट्रेनिंग। स्कूल से लड़की पढ़ के जाए 12वीं क्लास में, टॉप का रिजल्ट लेके जाए, बोले टॉप की संसाधन कैसी है, खराब होता है। संसाधन होना किसी को स्वीकार नहीं है, और हम एक बच्चे के 20 साल लेके उसको संसाधन के रूप में विकसित कर रहे हैं। 2 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को ले आते हैं बाड़े में बांध के, और उसके बाद उसे संसाधन के रूप में विकसित करते हैं। तो संसाधन के रूप में विकसित किया हुआ आदमी दुकानों में शोपीस बन के रह सकता है। वो धर्म की दुकान में बैठे, राजनीति की दुकान में बैठे, समाज की दुकान में बैठे, बाजार की दुकान में बैठे, शोपीस ही बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा संसाधन, अच्छा शोपीस, खराब संसाधन दम प्यार, ये गड़बड़ हो गई। तो शिक्षा के माध्यम से जो हम काम करना चाहते हैं, स्कूल बनाना बहुत छोटी बात है, अच्छे स्कूलों से अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, अच्छी बिल्डिंग से, पर वो एक जरूरी चीज है। शिक्षा के माध्यम से हम वास्तव में शिक्षा पे काम करना चाहते हैं। शिक्षा पे काम करने का पहला काम वो है जिससे मैंने आज आपकी बात शुरुआत की थी, और आज हम हफ्ते भर बाद हम लोग हैप्पीनेस कैरिकुलम भी लॉन्च कर रहे हैं। मैं उसको डिकोड करके आपके सामने कहूं, हैप्पीनेस कैरिकुलम का कोड सिर्फ इतना है कि क्लास में पढ़ने वाले 40 बच्चे अपने 40 के अंदर की कॉमननेस को पहचान सकें और उसमें जी सकें, और 40 से 4 लाख और 4 करोड़ और 400 करोड़ सबकी कॉमननेस को पहचान सकें। हैप्पीनेस कैरिकुलम का इतना ही मतलब है। तरीके उसमें बहुत अलग अलग हैं, लेकिन क्लासरूम में पढ़ने वाले 40 बच्चे अपने कॉमननेस को पहचान सके, वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, छोटा बड़ा हो, लड़का लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पहचान सके, वो काम शिक्षा का काम है। वो काम से शिक्षा खड़ी होगी, देश में शिक्षा खड़ी होगी, वो काम हमको करना है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं जब ये फोर्स ट्रेनिंग के जरिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, तो थोड़ा सा नजरिया अपनी चीजों की तरफ देखें। आप अपने बच्चों की किताबें पलट के देखा करें, उन किताबों में आपको लगेगा कितने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। मैंने भीमताल की ट्रेनिंग में भी 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, उनको मैं दोहराना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ हम कहते हैं साहब जेंडर इक्वलाइजेशन होना चाहिए, सब कहते हैं ना, कहाँ से होगा? वो दूसरी क्लास में हम लोग
या तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ा देते हैं, विलोम शब्द पढ़ाते हैं, विलोम शब्द पढ़ते हैं ना, वहां पे पढ़ते हैं धरती का उल्टा, रात का उल्टा, स्त्री का उल्टा, ये स्त्री पुरुष एक दूसरे के उल्टे हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं व्यवस्था में, बताइए। अब जब उलट मासी वहीं से दूसरी क्लास से शुरू कर दी तो जिंदगी भर का झगड़ा ही है, घर में भी झगड़ा, समाज में भी झगड़ा, फिर वही आदमी जब पत्रकार बन के बैठता है और वो पत्रकार बन के किसी रिजल्ट की कॉपी लिखता है अखबार में, लड़कियों ने बाजी मारी, ये एग्जाम था कि युद्ध था, तो कैसे टूल्स आपस में टकराएंगे, टूल्स बना रहे हैं। छोटी छोटी सी चीजें मैं चाहता हूं आप अपने बच्चों की किताबों में ढूंढने की कोशिश करें और आपसे निकल के आए हुए एग्जाम्पल्स हैं। एक मैंने एग्जाम्पल देखा अपने ही बच्चे की किताब में देखा, वो लिखा हुआ था जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन के ऊपर एक आदमी सूट बूट टाई लगा के यूं खड़ा कर रखा। अब क्या हो गया, बच्चे को हमने जी फॉर जेंटलमैन सिखाना चाहा, लेकिन हम तो सोच रहे थे बच्चा जी और जेंटलमैन जैसी स्पेलिंग सीखेगा, पर बच्चा तो बच्चा है जी, वो तो 360 डिग्री सीख रहा है। तो क्या सीख गया कि इस दुनिया में जेंटलमैन होने का मतलब वही है जो टाई लगा के खड़ा हो, कोट पहन के खड़ा हो, सूट बूट पहन के खड़ा हो। और उससे दुर्घटना भारत जैसे देश में यह घटती है साथियों कि एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक हमारे जैसे आप जैसे आम आदमी का बेटा अपने बाप को कभी भी जेंटलमैन नहीं मान सकता। किसान के बच्चों ने अपने पिताजी को जेंटलमैन मानना बंद कर दिया। सिर्फ वो नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि उससे कितना अंदर जाता है, और ये सबके अंदर है। अभी मैं बात करूं आपसे कि ऊपर के कमरे में तीन लोग बैठे हुए हैं, उसमें से एक आदमी को बुला लाओ, और मैं इतना बोलूं आप पूछो किसको बुला के लाना है, और मैं कहूं एक आदमी है, तीन है, उनमें से एक जो जेंटलमैन से दिख रहा है ना उसको बुला लाना। अब एक कुर्ता पजामा पहने बैठा है, एक कुर्ता धोती पहने बैठा है, या पैंट शर्ट पहने बैठा है, एक सूट बूट टाई में बैठा है। हम में से किस किस के अंदर जेंटलमैन का मतलब सूट बूट टाई नहीं है वो आप तय कर लेना। ये सेंसेस जो है ना, ये एजुकेशन के माध्यम से हमारी इतनी गड़बड़ा गई है, हमने फिर वापस वहीं आता हूं आदमी को आदमी के रूप में पहचानना बंद कर दिया, जबकि सब कुछ आदमी इंसान नहीं था। तो वो इंसानियत का राज कायम हो सके, शिक्षा के माध्यम से हो सके, उसकी संभावनाएं बहुत हैं। एक बच्चा नर्सरी क्लास में हमारे पास आता है और स्कूल में 12वीं तक रहता है, 12वीं के बाद फिर प्रोफेशनल क्लासेस में रहता है 20 साल तक अगर उसको हमने कबीर पढ़ाया, 20 साल में से कितने, 6 से लेके और 12वीं तक 7 साल को, मतलब ठोक के पढ़ाते हैं, 7 साल छठी क्लास से लेकर 12वीं तक कबीर पढ़ाते हैं, हिंदी की किताब का पहला चैप्टर अक्सर कबीर होता है, और उसके बावजूद 7 साल तक कबीर पढ़ाने के बावजूद अगर उसके अंदर हिंदू मुसलमान बचा रहा तो आदमी की गलती की शिक्षा की गलती है ना। उस बच्चे को आपने कहा कि कबीर का ये वाला दोहा रट लो, उसने रट लिया, आपने उसका एग्जाम लिया, कबीर के दोहे का ठीक से लिखा नहीं लिखा, बेचारा ठीक से लिखा है, आपने बताया नहीं उसको कि ये कबीर का दोहा तो आदमी बनने के लिए पढ़ना था, आपने सिर्फ इतना बताया कि आदमी बनने के लिए पढ़ना होता है, रटने के लिए पढ़ना होता है, एग्जाम में लिख ले, 2 नंबर लाने के लिए पढ़ना होता है, सारे के सारे कबीर के औकात 2 नंबर के छोड़ दिए। सोचो कबीर क्या थे, प्रेमचंद क्या थे, रहीम क्या थे, जयशंकर प्रसाद से क्या बातें कही, वहां से लाकर हमने 2 नंबर के औकात छोड़ दिए उनके विचार। वो एजुकेशन में सारा झंझट गड़बड़ा रहा। हम इसलिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा नाम समझ जाएगा, इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि जैसा देश हम देखने का सपना देख रहे हैं, जिस सपने की बात मैंने कही कि मैं अपने बच्चों के लिए जैसा देश चाहता हूं, वैसा देश लाने का राजमार्ग एजुकेशन से होकर ही जाता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम प्रशासन के लोग हैं, आज प्रशासन में बैठे हुए हैं, और यहां बैठ के मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी कोशिश हो रही है, सरकारें, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, IAS व्यवस्था, प्रशासन तंत्र, सारा मिला के एक तरफ और शिक्षा एक तरफ, जिस दिन शिक्षा ने जिला उठा लिया ना, भी उठाया नहीं, जितनी मेहनत हम भूगोल पढ़ाने में करते हैं, जितनी मेहनत हम साइंस पढ़ाने में करते हैं, जितनी मेहनत हम मैथमेटिक्स पढ़ाने में करते हैं, उतनी मेहनत जिस दिन हमने आदमी को आदमी बनाने की शुरू कर दी ना, उस दिन फिर हमें ये वाली चीजें बहुत छोटी होती चाहिए। ऐसा मेरा भरोसा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसे 20 साल बाद गलत भी साबित हो सकता हूँ, पर अभी मेरा भरोसा है, इसीलिए मैं काम करना चाहता हूँ। इसीलिए आप सब लोगों को कह रहा हूँ कि ये सपना अगर हम देखें, ये मत देखिए सपना कि हमारी सरकार
बढ़िया स्कूल खड़ा कर दिया, वो कर दिया। आप सपना देखिए कि हमारी सरकार, जो सरकार है, हमारी पार्टी वो पार्टी है जो शिक्षा के माध्यम से देश खड़ा करना चाहती है, वो सपना देखिए। और ये मैं यहां ही कह रहा हूं, अभी पिछले एक डेढ़ साल में तीन बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जहां मुझे बुलाया गया बोलने के लिए, सबसे पहले मॉस्को में बोल के आया, 45 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में वो सब बता रहे थे कि जी कैसे हम लोग स्मार्ट क्लासरूम बनवा रहे हैं, कैसे हमने बढ़िया वर्चुअल क्लासरूम्स बनवा दिए हैं। मैं उनको ये कह के आया साथियों, ये चक्कर में मत पड़ो, ये बाजार है। स्मार्ट क्लासरूम कितनी जल्दी आ गया, कितनी बाद में आया, ये बाजार का काम है। मेन काम तो ये है कि क्या 45 देशों के शिक्षा मंत्री जब एक साथ बैठे तो क्या इस दुनिया को भरोसा दिला सकते हैं कि दुनिया के लोगों, आपने तमाम हथियार खड़े करके, आपने तमाम सीमाएं खड़े करके, आपने तमाम युद्ध लड़के, तमाम पीस अकॉर्ड करके आतंकवाद खत्म करने की कोशिश कर दी, तुमसे नहीं हुआ। हम शिक्षक लोग भरोसा दिलाते हैं कि हम शिक्षा के माध्यम से कर देंगे, ये बड़ी चीज। और युद्ध शायद बड़ी चीज, आतंकवाद बड़ी चीज है, उभर की चीज है, हमसे थोड़ी सी डिस्टेंस की चीज है। धर्म और जाति के झगड़े हमारे आसपास की चीज है, जातियों के मतभेद हमारे आसपास की चीज है। हम क्या दुनिया को ये भरोसा, और पॉल्यूशन हमारी अपनी दिल्ली की चीज है, क्या हम दुनिया को ये भरोसा दिला सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह से पॉल्यूशन ठीक नहीं होगा। हम शिक्षा के माध्यम से आदमी ऐसा खड़ा करेंगे जो पॉल्यूशन नहीं करेगा, पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन मिनिमम करेगा, और वो हो सकता है, वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, तो उस पर लगना है। आज मैं इसीलिए इस सपने को शेयर करने आया हूँ कि हमारा सपना, मेरा एजुकेशन मिनिस्टर बनने का सपना ये नहीं है कि कितने बिल्डिंग बनवाई, बल्कि ये है कि उस दिशा में कितना काम कर पाए कि शिक्षा का सही इस्तेमाल उस दिशा में हो, और ये हो सकता है। और भारत के पास ये ताकत है साथियों, मैं कोई अतीत के गुणगान वाला बहुत वो नहीं हूँ कि मैं हम सोचें कि अतीत के गुणगान में चले जाएं, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं, पर थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है कि अगर हम जिस अतीत को अभी हम गुणगान करते हैं, गौर भाई ने किया था होगा मुझे उम्मीद है, राम भाई भी थे यहाँ पे, उन्होंने भी किया होगा, अतीत से सार क्या लेके आना है। किसी दार्शनिक को मैं पढ़ रहा था, उसने कहा हम आजकल रोज पढ़ते हैं ना, फलाने नेता ने बोला, क्या बोल रहे थे, हरियाणा वाले नेता, क्या हुआ था यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण की खोज यहाँ पे हुई थी, ऐसा कुछ कुछ रोज पढ़ते हैं। एक मंत्री उठेगा, उसने बोलेगा गुरुत्वाकर्षण की खोज यहाँ पे हुई थी, कोई बोलेगा फलाने की खोज यहाँ पे हुई थी, न्यूटन लॉ यही बना था पहले, भाई साहब मैं कहता हूँ सारा कुछ भी यही बना था, आपने किया क्या उसके बाद। अभी न्यूटन पे तो चलो विवाद है, मैं तो कह रहा हूँ शून्य की खोज तो हिंदुस्तान में हुई थी, उस शून्य का भी क्या किया तुमने, शून्य का गाना गाने के अलावा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, हमने शून्य का क्या इस्तेमाल किया आज की पीढ़ी में। और आज की पीढ़ी में अमेरिका यूरोप में बैठे हुए इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने उसी शून्य का जो हमने आविष्कार किया था, उसी शून्य का इस्तेमाल करके सारा साइबर स्पेस खड़ा कर दिया। आज मेरे और आपके मोबाइल के बीच में जो बात हो रही है वो शून्य के माध्यम से हो रही है, उसी शून्य का इस्तेमाल कर लिया। हम गाना गाते रहे शून्य, जब दिया भारत ने जीरो दिया भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। हमारे यहाँ मैं तो कई बार सोचता हूँ आइंस्टाइन अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए होते तो किसी हिमालय का मंदिर बना के बैठे होते और बारहवीं की क्लास में, ग्यारहवीं बारहवीं में जब फिजिक्स पढ़ रहा होता बच्चा, उसके साथ साथ हिंदी में किसी ने एक और नीचे से चैप्टर लगाने की कोशिश हो रही होती कि आइंस्टाइन हिमालय पर्वत की श्रृंखला के उस हिस्से में जो आदमी चार चक्कर लगा के आ जाएगा उसके फिजिक्स में 100 में से 100 आने की गारंटी है। कर रहे होते हैं हम महान देश। मैं इसीलिए कह रहा था कि अतीत से सीखने की जरूरत है, लेकिन कितना सीखने समझने की जरूरत है उसको भी पकड़ लीजिए। आगे किसी दार्शनिक को मैं पढ़ रहा था, किसी फिलोसफर ने लिखा है कि आगे गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी चलती है आगे की तरफ, आगे देखने वाला शीशा बड़ा होता है और पीछे देखने वाला शीशा, अगर पीछे देखने वाला शीशा बड़ा कर लिया तो क्या हो जाएगा। अगर हम पीछे कल्पना करिए, उल्टा कर दें, हमारी गाड़ी चलनी है आगे की तरफ, आगे देखने वाला जो ग्लास है वो उतने साइज का कर दें छोटा सा, और पीछे देखने वाला शीशा बड़ा कर दें तो क्या होगा, एक्सीडेंट। हो रहा है कि नहीं हो रहा, रोज हो रहा है, जिंदगी में हो रहा है, घरों में हो रहा है, समाज में हो रहा है, ये एक्सीडेंट हो रहा है। हम इतने महान थे, हम इतने महान थे, हम इतने महान थे। अरे ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट जो है ना, वो अगर दवाई है तो ठीक है, बीमारी है तो प्रॉब्लम है। एजुकेशन से इसको निकालना है, इससे निकालना है।
इससे ऊपर उठाना है, आगे देखना, लुक फॉरवर्ड। आगे देखने के लिए तो जरूरी है कि बड़ा वाला, आगे देखने वाला शीशा बड़ा किया जाए। तो एजुकेशन हमारी लुकिंग फॉरवर्ड होनी चाहिए। वो एक मैगजीन आती है टाइम्स, उसमें पढ़ रहा था, 8-10 साल पहले पढ़ा था, 15 साल पहले, एक बड़ी अच्छी चीज उसने कही थी। और सोचिएगा कि कहाँ एजुकेशन को लाना है और कहाँ देश को लाना है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उसने लिखा था कि आज से 25 साल बाद, 2005 में पढ़ा था मैंने, आज से 25 साल बाद का सबसे सफल आदमी अभी पैदा नहीं हुआ। और वो आदमी सबसे सफल जिस काम को करके सफल हो रहा होगा, वो काम भी अभी ईजाद नहीं हुआ। समझे? आज से 25 साल बाद का सबसे सफल आदमी, जो दुनिया का सबसे सफल आदमी होगा, वो पैदा नहीं हुआ। और वो आदमी 25 साल बाद जिस काम को करके सफल हो रहा होगा, वो काम अभी ईजाद नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि दुनिया नए सोचने वालों की है और दुनिया नौजवानों की है। दुनिया में आज जिसका भी नाम आप ले लीजिए, गूगल वाला, ट्विटर वाला, अपना इंडिया में देख लीजिए, वॉलमार्ट ने क्या है, फ्लिपकार्ट से लेके और वो योयो होटल, दुनिया में जो भी देख लीजिए, जो आदमी सफलता के पायदान पे जा रहा है, वो 25 साल से कम उम्र में जा रहा है। पहले 50-60 साल में जाता था, आज 25 साल से कम उम्र में आदमी कुछ ऐसा नया करता है जो कभी पहले हुआ नहीं। आज से 25 साल पहले आप इंटरनेट के बारे में क्या सोच सकते हैं? या अब तो बहुत आगे बढ़ गई चीजें, 5-7 साल से, 10 साल से, 10 साल पहले की कल्पना करो कि उससे 25 साल पहले कोई इंटरनेट सोच सकता था। तो आज से कोई आदमी 25 साल बाद की टेक्नोलॉजी क्या होगी अभी आपको पता नहीं है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और उस टेक्नोलॉजी को नया कुछ करके, उस टेक्नोलॉजी में नया कुछ करके कोई आदमी क्या सफल हो रहा होगा, क्या दुनिया में नया रच रहा होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते।